तो बात कर लेते हैं पारोजियन कैप्सूल का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको भूख नहीं लगती है या फिर आपको कमजोरी महसूस होती है या फिर कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनको उनके आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको तो उस केस में आप पारोजियन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कुछ केसों में ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अच्छी भूख भी लगती है, वो खाना भी खाते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला होता है। उसका कारण ये होता है कि उनकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए खाने से उतनी एनर्जी उनकी बॉडी को नहीं मिल पाती है, यानी उनका लीवर जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर वो भी पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो उसमें उनको काफी ज्यादा रिस्पांस देखने को मिलेगा, यानी जितना एनर्जी उनके बॉडी को चाहिए, जितनी ताकत खाने से चाहिए, वो ताकत आपका लीवर जो है आपकी बॉडी में पहुंचा देगा। तो पारोशियन कैप्सूल के कुछ ही सारे जो लाभ थे हमने आपको बताए हैं कि यदि आपको कमजोरी महसूस होती हो या फिर आप खाना भी अच्छा खाते हो लेकिन आपकी बॉडी में लगती नहीं हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है अगर आपके साथ में, तो उस केस में आप पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात चलते चलते बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि जो जितनी सारी दवाएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। तो बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने इसका प्रयोग किया तो हो सकता है कि उसमें में से 60 लोगों को अच्छा रिस्पांस थे और जो बाकी 40 के लोग, जो 40 लोग बचे हैं उनको एक कम रिस्पांस थे या फिर उनको थोड़ा सा साइड इफेक्ट दे। दोस्तों कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं उनके शरीर में खुजलाहट होने लगती है या फिर उनके चेहरे पे या फिर उनके बॉडी पे दाने निकलने लगते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है अगर, तो उस केस में आप पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग बंद कर सकते हैं। ये जो बदलाव है आपको 1 हफ्ते के अंदर दिख जाएगा, जैसे 1 हफ्ते इसका प्रयोग करेंगे तो उस केस में आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे आपकी बॉडी में खुजलाहट हो सकती है या फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं, आपकी बॉडी पे दाने पड़ सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको अगर आप 1 हफ्ते, ये जो साइड इफेक्ट है 1 हफ्ते के अंदर दिखेगी। ये नहीं कि आप 1 महीने तक प्रयोग किए 1 महीने के बाद में आपको साइड इफेक्ट दिखेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट दिख जाएगा। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ में होती है तो उस केस में आप पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप पारोशियन कैप्सूल का लगभग आप 90 दिनों तक लगातार प्रयोग कर सकते हैं सुबह शाम में। लेकिन कोई भी मेडिसिन है उसका बहुत दिनों तक अगर आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करें, चाहे वो पैराक्टीन हो या फिर एक्वामास कैप्सूल हो या फिर आपका पारोशियन कैप्सूल हो, तो इसका 90 दिनों से ज़्यादा प्रयोग ना करें। और अगर आपको 90 दिनों के बाद में भी प्रयोग करना है तो आप लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने का बीच में गैप कर दीजिए, उसके बाद में आप इसे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके इसमें आप पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी एमआरपी भी बहुत कम है, 32 रुपये में आपको 10 कैप्सूल मिलेगा। और इसकी जो कंपनी है वो देव फार्मेसी है, देव फार्मेसी एक कंपनी है और देव फार्मेसी एक अच्छा दवा निर्माण करती है और उसकी जो दवाएँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दोस्तों जो पारोशियन कैप्सूल है आयुर्वेदिक कैप्सूल है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि पारोशियन कैप्सूल में एस्ट्रॉइड होता है, लेकिन इसे बिल्कुल फेक है, एस्ट्रॉइड नहीं होता है इसमें। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि स्टेरॉइड नहीं है, क्योंकि हमने इसकी कंपनी में इसकी जो ईमेल आईडी है होते हैं उससे हमने संपर्क किया है, इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं देव फार्मेसी से, तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं यूट्यूब पे और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि अगर आप पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे थंबनेल बना देते हैं जिसमें दिखाते हैं कि अगर आप पारोशियन खाएंगे तो आपको इतना नुकसान हो जाएगा, तो लोग उनके चैनल पर जाएँ और उनके वीडियो को देखें। तो केवल उनका मोटो यही होता है, उनका जो पर्पज़ यही होता है कि वो अपने चैनल पर व्यूज लाना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको सही जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक्चुअल जानकारी दी जाए जो कि जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह से पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। तो पारोशियन कैप्सूल का जो प्रयोग किया जाता है वो सुबह शाम प्रयोग किया जाता है, खाना खाने के बाद में इसका प्रयोग करिए। और यदि आप वजन बढ़ाने के लिए पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो पारोशियन कैप्सूल के साथ में आप पैराक्टिन टैबलेट का प्रयोग करिए, पैराक्टिन टैबलेट का और पारोशियन कैप्सूल का एक साथ में प्रयोग करिए सुबह शाम में। इसका जो आपको प्रयोग पैराक्टिन टैबलेट का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसका आप 45 से 60 दिनों तक प्रयोग करिए पैराक्टिन टैबलेट, यानी 1.5 से 2 महीने तक। और जो पारोशियन कैप्सूल है वो 3 महीने तक आप प्रयोग करिए और 3 महीने के बाद में इसका प्रयोग आप बंद कर दीजिए। दोस्तों जब आप पारोशियन कैप्सूल का प्रयोग बंद कर देंगे तो उस केस में हो सकता है कि आपको भूख थोड़ी कम लगे, तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जैसे आपको दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाते थे तो वहाँ पर आपको भूख लगना कम हो जाएगी जैसे आप पारोशियन कैप्सूल खाना बंद करेंगे। तो उस केस में आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं भी लगती तब भी आपको खाना खाना है
और अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो उस केस में आपको नुकसान होगा, यानी आपका जितना वजन बढ़ा था वो धीरे धीरे घटने लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जैसे आप जब एक महीने के लिए परोसिए उनको गैप करते हैं, जैसे 3 महीने तक आपने प्रयोग किया और 3 महीने के बाद में जब आप 1 महीने के लिए ब्रेक करते हैं तो उस केस में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 1 महीने के अंदर जैसे आप हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए, उसके साथ में आप फल का भी प्रयोग करिए, और आपको भूख अगर नहीं भी लगती है तब भी आप खाना को खाते रहिए। क्योंकि अगर आप खाना खाना बंद कर देंगे, जिससे क्या होता है कि जब भूख लगती है तो लोग अच्छे से ठीक से पेट भर खाना खाते हैं, और जब उनको भूख लगना कम हो जाती है तो उस केस में वो खाना भी खाना कम कर देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा खाना खाएंगे या फिर खाना ही नहीं खाएंगे, दिन में जहाँ आप 3 बार खाते थे 1 बार खाएंगे, तो उस केस में आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप परोसियन कैप्सूल खाना बंद कर देते हैं तो थोड़ा आपको भूख लगना कम हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि खाने को खाना है। आपको भूख नहीं लगती है तब भी आप खाना खाइए, और अगर आप खाना खाते रहेंगे तो आपका जो वजन बढ़ा था वजन आपका घटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं जो उस तरह